नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से जारी किसान आंदोलन में कई नए चेहरे सुर्खियों में आ रहे हैं उनमें से ताजा नाम दिशा रवि का है दिल्ली की एक अदालत ने 21 साल के एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा को पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया तो कई सवाल चर्चा में आ गई कि क्यों दिशा को अरेस्ट किया गया क्या आरोप है और आखिर ग्रेटा थनबर की टूल मुहिम से जुड़ी दिशा आखिर है कौन आपको यह भी बताएंगे कि है मामला क्या बीते शनिवार को बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस ने जिस दिशा को गिरफ्तार किया वो असल में फ्राइडे फॉर फ्यूचर एफ 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 नाम के अभियान की फाउंडर है दिशा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर टूलकिट का ना केवल प्रसार किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड भी किया कौन है दिशा रवि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर नेताओं को सही फैसले लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम है कि स्कूल के बच्चे हर शुक्रवार को क्लास अटेंड करने के बजाय विरोध प्रदर्शन करते हैं इस मुहिम के भारतीय संस्करण एफ की फाउंडर दिशा है जो बेंगलुरु बेस्ट एक्टिविस्ट है और अपनी ग्रेजुएशन माउंट कोरमल कॉलेज से पूरी कर चुके हैं पर्यावरण संकट को मुख्य धारा में लाने वाली दुनिया के चार अहम अश्वेत एक्टिविस्टों की लिस्ट में ब्रिटिश मैगजीन वोक ने दिशा को एक माना था। सोशल मीडिया पर दिशा नियमित रूप से कॉलम लिखती है और युवा व किशोर एक्टिविस्टों के लिए क्लाइमेट के मुद्दों पर फार्म का संचालन करती है एक्टिविस्ट क्यों बनी दिशा खबरों की माने तो दिशा का परिवार बाढ़ का शिकार हो गया था और उनका घर बुरी तरह चपेट में आ गया था यहां से दिशा ने इसके कारण तलाशने शुरू किए, साथ ही उन्होंने आवाज उठाई कि इस तरह की त्रासियों के लिए राजनेताओं की जवाबदेही तय की जाए दिशा का मानना है कि बाढ़ भारी बारिश से होने वाली तबाही के लिए सीधे तौर पर राजनीति जिम्मेदारी से है क्योंकि वो ढीले कदम ही उठाती रही है दिशा मानती है कि पानी को लेकर जो संकट बने हुए हैं और इनसे लाखों नहीं करोड़ों लोग जूझ रहे हैं उसके लिए राजनीति को अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभानी होगी आखिर गिरफ्तार क्यों की गई दिशा दिशा पर आरोप है कि ट्विटर पर ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट शेयर की थी दिशा ने उसे एडिट किया और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया दिल्ली की एक कोर्ट में पुलिस ने कहा कि भारत की सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश में कथित खालिस्तानी मूवमेंट की भूमिका को लेकर दिशा से पूछताछ करना जरूरी है दिशा का मोबाइल फोन जब्त कर लेने की बात भी पुलिस ने कही पुलिस के मुताबिक टूलकिट केस में दिशा महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि दिशा ने इसे एडिट करने और फॉरवर्ड करने की बात कबूल की है दिशा ने कोर्ट में रोते हुए कहा कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के मकसद से उन्होंने टूलकिट में सिर्फ दो लाइनें बदली थी कैसे हो रही है की दिल्ली पुलिस ने मीडिया पर प्रसारित, प्रसारित। टूलकिट से जुड़ी जानकारियों के लिए गूगल से संपर्क किया टूलकिट में दो ईमेल आईडी, एक इंस्टाग्राम अकाउंट और एक यूआरएल का जिक्र बताया गया है जिनके बारे में पुलिस ने जानकारी चाही है क्रिएट करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को राजद्रोह आपराधिक साजिश और नफरत फैलाने का केस एक्शन 124 ए 120 ए व एक ए के तहत दर्ज किया था ग्रेटा ने जो टूलकिट साझा किया उसे कथित तौर पर दिशा ने प्रसारित किया पुलिस का दावा है कि लाल किले पर 26 जनवरी के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों में एकदम वही तरीके अपनाए गए जैसे टूलकिट में बताए गए थे आपको बताते हैं कि असल में यह टूलकिट क्या बला है टूलकिट को कैसे समझा जाए किसान आंदोलन के समर्थन में स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर ने सोशल मीडिया पर आंदोलन कैसे करना है इसकी जानकारी को साझा किया और इसे ही टूलकिट के नाम से समझा जा रहा है टूलकिट में किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों हैशटैग लगाने प्रसार करने जैसी जानकारियां दी गई हैं टूलकिट किट में टूलकिट असल में में टूलकिट असल में वो डिजिटल हथियार बन गया है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर आंदोलन को हवा देने के लिए होता है पहली बार अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समय यह तरीका सामने आया था इसके जरिए किसी भी आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए लोगों को जोड़ा जाता है टूलकिट सिलसिलेवार ढंग से बताती है कि लोग आंदोलन में शामिल कैसे हो सकते हैं टूलकिट में यह भी बताया जाता है कि आंदोलन के खिलाफ पुलिस एक्शन ले तो क्या किया जाए कोई और मुश्किल आए तो कॉन्टेक्ट या रिसोर्स पर्सन कौन हो या और सोशल मीडिया पर पोस्ट के वक्त हिदायतें भी टूलकिट में हैं। यही टूलकिट भारत में जारी किसान आंदोलन के संदर्भ में विवाद में घिर गई है दिल्ली की एक अदालत ने रविवार 14 फरवरी को दिशा को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक दिशा रवि की गिरफ्तारी की खबरें मीडिया में घंटों चलने के बाद दिशा रवि को अदालत में पेश किया गया लेकिन अदालत में दिशा रवि का कोई वकील मौजूद नहीं था लिहाजा कोर्ट ने दिशा रवि की तरफ से दिल्ली लीगल एड सेल के वकील को आगे कर दिया अधिकारियों का दावा है कि ये सब विशेष रणनीति के तहत किया गया है जिससे आरोपी को अदालत में फायदा मिले और अदालत आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दे लेकिन अदालत में जब दिशा रवि के वकील की मौजूदगी नहीं थी तो अदालत ने खुद ही दिल्ली लीगल सेल के वकील को दिशा के लिए जिरह करने को कहा सूत्रों के मुताबिक जैसे ही दिशा को अदालत ने रिमांड पर भेजा उसके वकील साइबर सेल के वकील साइबर सेल के द्वार का दफ्तर मिलने पहुंच गए पुलिस का कहना है कि दिशा रवि इस मामले की छोटी कड़ी है आने वाले समय में कई गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि पर आरोप है कि इसने किसानों से जुड़ी टूलकिट को एडिट कर उसमें कुछ और चीजें जोड़ी और उसे फॉरवर्ड कर दिया दरअसल जिस वक्त ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट शेयर किया तब दिशा रवि ने ही ग्रेटा को चेताया था कि टूलकिट पब्लिक डोमेन में चला गया है बाद में ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया फिर इसका एडिट वर्जन शेयर किया पुलिस ने दिशा रवि का मोबाइल फोन भी बरामद किया है इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गूगल और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों से टूलकिट बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देने के लिए कहा था दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद साइबर सेल उससे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेलाइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें JBD Banquets Laihe, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden. at JBD Banquets Enterprise.